वहीं अमरोहा में आज किसानों की महापंचायत होने वाली है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल होंगे और दावा यह किया जा रहा है कि इसमें करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। ये महापंचायत अमरोहा के जोया मार्ग पर स्थित मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हो रही है। बड़ा दावा इस महापंचायत को लेकर यह कि इसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। और कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, आगे उसका स्वरूप क्या रहे, उसके लिए रणनीति बनेगी आज जोया मैदान से। तो महापंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल होंगे, उन समेत किसानों के कई नेता भी शामिल होंगे। अफसर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अफसर, बताइएगा इस महापंचायत में कौन कौन से नेता भाग ले रहे हैं और आज किस तरह से आगे की रणनीति यहां से बनेगी? देखिए आस्था, आपको बता दूं, आज जो है अमरोहा के जोया रोड पर जोई के मैदान में ये सभा होनी है और यहाँ लगभग 1.5 लाख किसान इस महापंचायत में पहुंचेंगे। इसमें मंडल भर के जो है कार्यकर्ता जुटेंगे और उसके बात करें यहाँ संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह यादव, विजय पाल, गुरमीत उर्फ चंचू, कई बड़े चेहरे हैं जो किसानों के यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि बारिश पड़ रही है, आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश अमरोहा में शुरू हो गई है, लेकिन जो किसान हैं वो यूं ही डटे हुए हैं और अपनी तैयारियों में जुट रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है बारिश से जो है किसानों की महापंचायत पर प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ लगभग 10,000 ट्रैक्टरों के साथ यहाँ किसान पहुँचेंगे और इस सभा में 2022 की रण को लेकर एक तैयारी की जा रही है, यानी कि विचार किया जा रहा है। किसानों से सीधी वार्ता राकेश टिकैत करेंगे कि किस तरीके से जो है तीनों कृषि बिल को वापस किया जाए, MSP लागू की जाए। तो आज कई बड़े अहम मुद्दे हैं जिनके द्वारा जिसको लेकर मंथन चलेगा। और फिलहाल वहां पर मौसम ने रुख बदला है, झमाझम बारिश हो रही है। अफसर, हमने देखा कि जोई मैदान में जो तैयारियां हैं, टेंट शामियाना लगा है, सब कुछ फिलहाल भीग चुका है, लेकिन उम्मीद यही कि आज जो बड़ा दावा है कि अगर मौसम खुला तो 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस महापंचायत में पहुंच सकते हैं। ये आयोजन जो किया जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उनकी तरफ से ये बड़ा दावा भी है। आप नजर बनाए रखिए, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। भाजपा मिशन 2022 फतह करने के लिए जुटी हुई है। केंद्रीय मंत्री और यूपी भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुरादाबाद और रामपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारियों को लेकर अहम बैठक की है, जिसमें यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी, यूपी सरकार के दो मंत्रियों समेत करीब 25 नेता शामिल हुए। 2 घंटे तक चली इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी नेताओं से पश्चिमी यूपी में चल रही चुनावी तैयारियों पर चर्चा की है, साथ ही उनके चुनावी रणनीतियों के बारे में भी बताया है। बैठक में मोदी सरकार और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया गया, खासकर पश्चिमी यूपी में गन्ना किसानों की समस्याओं पर बात की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने लखीमपुर घटना पर कहा कि सरकार कानून के हिसाब से काम कर रही है और भाजपा यूपी और देश में कानून का राज चाहती है। देखिए, प्रजातंत्र में हम सभी विषयों को ध्यान देनी चाहिए, जनता जनमत सबसे ऊपर है, जनमत सबसे ऊपर है, हमें जनमत पे भरोसा है, कानून उसकी रास्ता में जाएगी। हम यूपी में देश में कानून की राज चलाते हैं। इन दिनों में देश में और भी कुछ प्रांतों में कुछ घटना हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं, कुछ आंदोलन के नाम पे बर्बरता की भी विषय सामने आई है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं कुछ करते हैं, उनकी प्रदेश की हालत भी आप लोगों के माध्यम से देश दिख रहा है। कानून की राज होनी चाहिए। 2022 चुनाव से पहले तेजी से बढ़ रहा सपा का कुनबा। सपा में शामिल होंगे राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और आज दोपहर 12 बजे सपा के दफ्तर पर वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं हरि किशोर तिवारी। इटावा और उसके आसपास के जनपदों में इंजीनियर हरि किशोर तिवारी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं, कई बड़े आंदोलन वो कर चुके हैं। सपा आज उन्हें अपनी पार्टी से जोड़ने जा रही है।